माला एंटरटेनमेंट वेल फ्रेंड्स, राहुल वैद्य और उनकी सिस्टर ने क्या आरोप लगाए हैं बिग बॉस के ऊपर? आरोप लगाए हैं या फिर यूं कहें आरोप हैं पर इतने संगीन नहीं। क्या कुछ मेकर्स के ऊपर आरोप लगाए हैं, चलिए आपको बताते हैं। राहुल वैद्य जब घर में आ रहे थे तो प्रीमियर के दौरान उनका एक एवी दिखाया गया था जो कि सलमान खान के सामने चला था स्टेज पर, हम लोगों ने भी देखा था, जिसमें राहुल वैद्य कहते हैं कि मुझे घड़ियों का शौक है, मुझे जो है लंदन जाना पसंद है, मैं काफी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, सिंपल सा इंसान हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े शौक नहीं है। तो बीते दिनों लाइव के दौरान राहुल वैद्य इस पर जो है चर्चा करते हैं, बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि भाई जब फाइनल हो गया था कि मैं बिग बॉस में जा ही रहा हूं तो मेकर्स मेरे घर आए थे। घर आकर उन्होंने मुझसे पूछा जाता है सारी डिटेल्स, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, कैसी चीजें हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या पसंद है और क्या चीजें हैं, तो मैंने बताया मुझे घड़ियों का शौक है, मुझे लंदन जाना पसंद है। उन्होंने मुझसे पूछा अपनी वॉचेस दिखाई है, मैंने अपनी कुछ घड़ियां भी उन्हें दिखाई, उन्होंने उसे शूट किया, क्लिक किया और कुछ चीजें मेरे घर में से कुछ हिस्से और शूट किए, कुछ और जो है छोटे छोटे शूट हुए और मुझे बताया गया कि आपको इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन भाई जब मैं घर के अंदर आता हूँ, यानी जब मैं स्टेज पर आता हूँ, मैं अपना आईवी देखता हूँ तो मैं शॉक रह जाता हूँ कि भाई मुझे तो ऐसा प्रेजेंट करने का बताया ही नहीं गया था, और उसको बड़ा फन वे में, बड़ा चिल वे में और इस तरह से बताया गया कि भाई लाइक बहुत शॉक बिगड़ेल एंड ऑल इस तरह का कोई लड़का घर के अंदर आ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा इन चीजों के बगैर चल नहीं सकता एंड मैं रह नहीं सकता इन चीजों के बगैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और खैर कहीं ना कहीं हमने घर के अंदर देखा भी कि राहुल वैद्य का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, ये होना है तो होना ही है, जैसा कि बीते सीजन में कई बार ऐसा देखा गया कि जो कंटेस्टेंट है वो काफी चीजों की डिमांड करते हुए नजर आए। वहीं राहुल वैद्य की सिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने भी कहा एक ट्वीट करते हुए, जहां पर राहुल वैद्य अपनी दो वॉचेस इस तरह से दिखा रहे हैं, दोनों अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग कलर्स की हैं। वहां पर नीचे उनकी बहन लिखती है कि जब कोई किसी को हरा नहीं पाता तो इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है और उसका जो चेहरा है वो बदलने की कोशिश करता है, यानी और कुछ दिखाने की कोशिश करता है, और जब आप किसी से हार नहीं पाते, हरा नहीं पाते तो ऐसा कुछ करते हैं। बिग बॉस के लिए कहने की कोशिश की है कि भाई इस तरह से चेंज करके इमेज दिखाई, क्योंकि बीते दिनों ही राहुल ने क्लियरली एमवी का जिक्र किया। और क्या बिग बॉस में इस तरह से होता है कि भाई दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, होता कुछ और है, और जो है प्रेजेंट कुछ और किया जाता है, लोग अपनी रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। आपका क्या कहना है कॉमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी ऐसी ही खबरों को फटाफट से देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।